कौन है? ओपन द डोर। अरे भाई दरवाजा तो खोलो। क्या बात है भैया? अरे मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, जवाब तो दो। सॉरी भैया, मैं बाथरूम में थी। ये शीशा टूटने की आवाज़ कैसी आई? हाँ, बाथरूम का शीशा टूट गया था, उसी की आवाज थी। ओहो, आई सी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। राज, ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है तराशने वाले ने सर से पांव तक खूबसूरती को तुम्हारा गुलाम बना दिया है। कितनी खूबसूरत हो तुम। गलत, बिल्कुल गलत। खूबसूरत हैं तुम्हारी ये आंखें जो मुझे जितना देखती हैं, मैं उन्हें उतनी ही खूबसूरत लगती हूँ। वाह पिंकी वाह, हीर बनकर स्टेज पर ऐसी परफॉर्मेंस करोगी तो ऑडियंस के दिलों में समा जाओगी। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम एक्टिंग नहीं हकीकत में मुझसे प्यार करने लगी हो। तुमसे प्यार करती है मेरी जूती। एक्टिंग को एक्टिंग तक ही रहने दो, रियलिटी बनाने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं तुम जैसे लड़कों की चालों को खूब समझती हूँ। पहले तो तारीफों के जाल बुनते हैं और फिर मजनू बनकर पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिन्हें तुम जैसे चालबाज अपने जाल में फंसा सके। पिंकी, पिंकी एक मिनट पिंकी बेबी। आज हमारे क्लब में डांस कंपटीशन है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनकर मेरे साथ डांस करो। डांस तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं क्लब में आऊंगी भी, तुम्हारे साथ डांस भी करूंगी। वैसे इस कॉलेज में तुमसे ज्यादा हैंडसम और है भी कौन?
गर कर दिया तुम लोग तो कुत्ते की तरह पिट रहे हो। अरे साहब आपकी जगह तो ये आ गया, ये साला तो बहुत मारता है। शट अप, गेट आउट। कौन थे वो लोग? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। कितने पैसे दिए थे इन गुंडों को मेरी नजर में हीरो बनने के लिए? मगर मैं तुम जैसे सुरक्षा मजनुओं को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब लड़की लिफ्ट ना दे तो तुम लोग ऐसी ही घटिया हरकतों पे उतर आते हो। बकवास बंद करो। अगर मैं सही वक्त पे यहाँ नहीं आता तो ये लोग तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते। क्या बात है पिंकी? ये क्या, ये सब किसने किया? इसने। शेम ऑन यू राज, शेम। तुम जैसे लड़के से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद ना थी। अरे प्यार कोई जबरदस्ती से नहीं किया जाता साले गुंडे मवाली। सबान संभाल के बात कर वरना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बजाय शर्मिंदा होने के कैसे अकड़ रहा है? सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी जब पुलिस का एक जूता पड़ेगा। और जानते हो उस जूते के नीचे क्या लिखा होगा? छाई बहार है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। डोंट टच हिम। क्या कर लेगी तू? शायद तुम नहीं जानते मैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बहन हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। My pleasure. Hey, Mister. रात को किधर आवारागर्दी करता है तुम? फालतू बात नहीं करना इंस्पेक्टर। इसको सेना मना है क्या? अबे हवलदार को इंस्पेक्टर बोलते, कितना अच्छा आदमी है, फिर भी तुम काहे को रात को घूमता है? हवलदार ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अपने आप को समझता कह रहे? अबे जास्ती कोशिश करू ना क्या? हवलदार चले चल। बस सर नहीं होता। हवलदार को लेकर पुलिस चौकी आओ। मैं और मोटरसाइकिल? हवलदार मोटरसाइकिल लेकर पुलिस चौकी आओ। पुलिस चौकी आओ तुम और तुम्हें जीप बदे बसा। बैठो। बात तो सुनिए सर। अंदर बैठो, मैं कहता हूँ बैठो। आइए भ्राताश्री, आ जाइए। अच्छा आइए आइए भ्राताश्री। वहां तो आप मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। शनी करते, शनी करते। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझता। लगता है लाज जोर से लगी। हंस लो और हंस लो। आज अंदर जाकर भाभी के सामने आपकी हालत खस्ता तो होगी। क्यों, आज तेरी भाभी के अंदर भूत नहीं आ गया क्या? जरा वक्त देखिए, आज आपकी शादी की सालगिरह है। सालगिरह है आज? अरे मारे गए, हो गए बर्बाद। आज तेरी भाभी मेरी लुगाई करेगी, मेरी पिटाई, और कहेगी क्यों बजबाई थी शहनाई। चल भाई पुलिस चौकी ही चल। अरे कहाँ जा रहे हैं, अंदर तो चलिए, आज आएगा मजा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। बेटर बेटर क्या दिख रहा है? शादी से पहले यही गाया करती थी, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। अब कह दिया छोड़ा मेरा हाथ। सरक गई हवा, थोड़ी हिम्मत करके अंदर तो चलिए। डरते हैं भाभी से? मैं डरता हूँ और क्या। अरे मैं पुलिस में हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। चलो चलिए। चलो चलिए ना। एक काम कर बेटे, तू आगे चल, मैं पीछे आता। चलिए चल ना बेटे, चल ना जरा आगे हो। अरे अपने चाचा को प्यारी प्यारी पप्पी दो। पहले तुम अपना पसीना वाला मुंह धो, फिर पप्पी। पसीने वाला मुंह छोड़ो, अब देखना तुम्हारे पप्पा की कैसे धुलाई होती है। धुलाई नहीं, धोबी पटड़े मारेगी। भाभी तुमने भी खाम खा एक पुलिस वाले से शादी कर ली, ना बीवी की परवाह है ना बच्चों की परवाह। इनको तो सिर्फ मुजरिम या हथकड़ियों से शादी कर लेनी चाहिए। अरे भाभी छोड़ो अभी। बस बहुत हो गया,
अब अगर एक और लफ्ज भी निकाला ना तो एक लगाऊंगी। भैया बचाओ, भैया बचाओ। अच्छा नारद मुनि, अब बचाओ। भैया यही तो तरीका था भाभी को पटाने का, क्यों मान गए ना? एक तू जा जा, आजा सालगिरह मना ले, मना ले सालगिरह। गुड मॉर्निंग सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक ही क्लास में तीन तीन बार फेल होते हो। सर एक क्लास में तीन तीन साल फेल होने से पढ़ाई मजबूत हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। शट अप। क्या ज्ञान बढ़ जाता है? मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका उल्टा जवाब देना। नाइट डे गुड बैड एंट्री डिसेंट्री एंट्री डिसेंट्री नॉनसेंस। व्हाट सेंस? गेट आउट कम इन। आई से गेट आउट, आई से कम इन। हे भगवान, हे शैतान। ये तुम्हारे कल वाले किराए के नकली गुंडों की तरह नकली नहीं, असली है। मैं इसे खास चुन के लाई हूँ तुम्हें हीरो से जीरो बनाने के लिए। अब हीरो बनकर दिखाओ तो पता चले। कल जो हुआ वो उतना ही सच्चा जितना आज होने जा रहा है। कल मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारी इज्जत का सवाल था, और आज आज मैं इसे इसलिए मारूंगा क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। क्यों हीरो, अब दिन में तारे नजर आने लगे ना? कमान कमान। Hey!
दीदी इधर आ। देखती नहीं हैवानों का तूफान आ रहा है। प्लीज जल्दी भागिए, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी भागिए प्लीज। आप लोगों को अपनी जान इज्जत प्यारी नहीं है क्या? प्लीज चले जाइए। क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? तुम पे नजर पड़ते ही विक्रम तुम्हारी इज्जत लूटेगा। अगर तुमने जुबान खोली तो हमेशा के लिए तुम्हारी जुबान बंद कर देगा। अरे यार तुम लोग क्यों अपने प्यार के दुश्मन बने हो? ये क्या? लगता है हमारे आने से पहले हमारी दहशत यहाँ पहुँच गई। अरे आज तो पूरा मैदान ही खाली है। लगता है आज सोडा और विस्की से ही काम चलाना पड़ेगा। शबाब हमारे नसीब में नहीं है। क्यों गया? आओ आओ अभी तो जान बाकी है। डरो नहीं लड़की, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ किसने किया। छोड़ दो, मत छू मुझे, मत छू। इंस्पेक्टर शेखर, लड़की को एग्जामिन करने से पता चला है कि उसे 3-4 आदमियों ने वैशी जानवरों की तरह रेप किया है। उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो बयान देने के काबिल नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उस लड़की का बलात्कार या उसके प्रेमी का खून उन्हीं लड़कों ने किया है? खूनी तो वही होता है सर जिसके मुंह खून लगा हो। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि यकीन कानून यकीन पर नहीं, सबूत पर यकीन करता है। देखो शेखर, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि हम कानून के दायरे में ही रहें। इसी में हमारी भलाई है। भलाई? भलाई तो फिर सिर्फ इसी में है सर कि हम ये वर्दी उतार दें जिसे पहनकर हम कानून के महाफिज नहीं बल्कि चंद ठेकेदार और चंद मंत्रियों के शतरंज के मोहरे और उनके गुलाम बनकर रह गए। शेखर, बगैर किसी सबूत के किसी के खिलाफ वारंट निकालना कानून को अपने हाथ में लेना है। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं गैर जिम्मेदार ऑफिसर की तरह अपने ही ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं और खून कर लूं अपने जमीर का, अपने असूलों का? ठीक है सर। सब इंस्पेक्टर ने शेखर और कमिश्नर की सारी बातें सुन ली। शेखर को शक नहीं है, पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही लोगों ने उस लड़की को रेप किया था और उसके प्रेमी का कत्ल किया था। तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा डैड? जवानी तो हम पर भी आई थी बरखुरदार, पर ऐसा उबाल कभी हमारे खून में नहीं आया कि जिसके छींटे हमारे बाप की इज्जत पर उड़े। ओ डैड, छींटे आपके फादर की इज्जत पर कैसे पड़ सकते थे ओल्ड मैन, क्योंकि आप तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए थे। एज फार एज आपकी जवानी की बात, तो अभी भी आप क्या कोई कम गुल खिलाते? ये तो मिनिस्टर की चेयर आपके नीचे, वरना किसी जेल के अंदर कोड पड़े हुए डॉग की तरह से सड़ रहे होते। अंडरस्टैंड ओल्ड मैन? वाह मेरे मालिक, ऐसी औलाद हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? किसको बताएं, दिल दिल में खुशी के लाले हैं, इन बेटों के खलूस हमसे मत पूछो, हमने दामन में नाक पाले। आप तो बस यूं ही घबराते हैं पांडे अंकल। अरे उस इंस्पेक्टर को चाहे लाख यकीन हो, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए शेर का कलेजा चाहिए या फिर ठोस सबूत
और उस इंस्पेक्टर के पास तो दोनों ही नहीं है। अस्पताल में वो लड़की सिर्फ कोमा में पड़ी है, मरी नहीं। जिस दिन उसे होश आ गया उस दिन पुलिस को सबूत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और शराफत का काम करता हूँ कि उस अधभरी लड़की को पूरा ही मार डालता हूँ। शट अप। अरे क्यों तुम लोग हमारी इज्जत और कुर्सी के दुश्मन होते जा रहे हैं? डैडी, मंत्री की कितनी इज्जत होती है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी। और फिर वो कुर्सी की आपको खरात में मिली थी, उस कुर्सी के लिए आपको वोट हमारे चाकू या हमारे रिवॉल्वर के डर से मिलते हैं या फिर हम लोगों के बूथ को लूटने से मिलते हैं। He's right. He's right. Silly old man, आप लोगों की कुर्सी का फायदा आपके अपने बच्चे नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? You're right. Understand? वाह वाह मेरी औलाद वाह। नहीं पांडे जी नहीं, ये सरफिरे तमाशबीन और कमीने लोग हमारी औलाद नहीं है, ये हमारे किसी पिछले जन्म के पाप हैं जो इस जन्म में हमारी औलाद की शक्ल में हमारे सामने है। नागराज। यस सर। अमर सिंह। यस सर। तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ और उस लड़की की निगरानी करो, मुझे डर है कि वह हरामजादे उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन सब की जान उस लड़की में अटकी है। सर। What a wonderful idea. अब पता चलेगा उसे। साला लंबू। Come in. What a surprise. तुम और यहाँ? हाँ। दोस्ती का इरादा है, हर कदम पर साथ निभाएंगे, अपना तुमसे वादा है। अरे क्या हुआ? आंखों से चिंगारियां बरसाने, जबान से नश्तर चलाने वाली देवी आज अचानक शहद ही शहद बरसा रही है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुमने तो सोच समझकर अपना हाथ बढ़ाया है और हमने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया है। ये लो, ये हमारी दोस्ती का पहला कदम, लो चाय पियो। और हमारी दुश्मनी मेरा मतलब हमारी दोस्ती को और मजबूत करो। ये बात है। चीयर्स। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूं क्यों ब्योरे मामा लगता है क्या? चुप। मैं जब भी तुम्हारी जी नहीं 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 मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ तो मकारी और अकड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता पिंकी। मैं पिंकी नहीं, तुम्हारी हीर हूँ रांझे। नहीं, तू हीर नहीं, तू वो तीर है जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। राज, तू क्या उल्टी सीधा लग? मैं डायलॉग नहीं बोल रहा, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये मुझ पर तीखे नश्तर के वार कर दिए। ये कैसी हिमाकत है राज? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है, हकीकत। लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया है, प्यार करता था, करता हूँ और प्यार हमेशा प्यार करता रहूंगा। आगे पर्दा गिराओ। खुद को बड़ा हीरो समझता था, देखा हीरो को जीरो कैसे बनाया? वो देखो, वो रहा मजनू, मुझे चुल्लू भर पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। उसे तो चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा नहीं।
अगर राज वक्त पर नहीं पहुंचता तो तेरा बचना मुश्किल था। देखा, उसी ने तुम्हारी जान बचाई जिसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम। तुझे तो आज तक नहीं आने थी, खुद झुलस किया बेचारा। कॉलेज में तू ही था ना हीरो, तुझे क्या जरूरत थी उस मुसीबत में पड़ने की? नहीं तो तुम भी हमेशा खिड़खिर करती रहती हो। एक ही तो उसने अच्छा काम किया है, उसके लिए इनाम देने की वजह तुम इसे डांट रही हो। आप चुप रहिए, आप ही ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। भगवान ना करे इसे कुछ हो जाता, हमारा तो जवान बेटा। जिसके सर पे देवी जैसी भाभी और देवता जैसे भाई का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है मेरे शेर, ये घंटी कुछ लंबी नहीं बज रही, खुदा खैर करे। नमस्ते, राज यही रहता है ना? भैया जो भी हो कह दो, मुझे नहीं मिलना। मिलना मिलना कैसे नहीं, क्या हमें स्कूल और कॉलेज में यही एटिकेट सिखाते कि घर आए मेहमान को दरवाजे से ही बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, अंदर आने के लिए भी ना कहा जाए? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या? कहाँ घुसी जा रही हो? मेरा भाई जब तुमसे मिलना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती है? काम का उसके गले पड़ने वाली तुम हो कौन? पुलिस कमिश्नर कपूर साहब की बहन हूँ। होंगी किसी कमिश्नर साहब की। कपूर, आप मिस्टर कपूर साहब की बहन है? आप खड़ी क्यों है? अंदर चलिए ना, बैठिए, चलिए चलिए। शर्म नहीं आती? घर में मेहमान से इस तरह बात करते हैं? इस बेचारी को दरवाजे से कहा जाओ अंदर मत आओ, और तुम भी यही सिखाती हो जी इसको? ये हमारे आपस का मामला है। हाँ हाँ, बीच में मत पड़िए। ये हमारा आपस का मामला है, हम निपट लेंगे। That's right, आप खुद ही निपट लीजिए, जाइए।
हमारे रास्ते में मत आवे, अपनी जान प्यारी ना तो तफा हो जाए यहाँ से। साले तू हम लोग को जानता नहीं। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वो वैश्य कुत्ते हो जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी माँ बहन को भी नहीं बख्शते। अरे बख्शेंगे तो हम तेरे को भी नहीं। अगर एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो अगला पल तेरा दूसरी दुनिया में होगा। चल भाग। लड़की को बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आया है? अभी भेजता हूँ तुझे तेरे फरिश्तों के पास। No dialogue, Bazi. Only fight. Come on, come on, come on, come on. तू हमें यहाँ पर जेल में बंद नहीं कर रहा है बल्कि अपने आप के लिए झंडुम का दरवाजा खोल रहा है। हम वो जहरीले सांप हैं जिसे एक बार डस लेना तो उसका जहर जहन्नुम में जाकर खत्म होता है। इसीलिए ना तो हमारी दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोस्ती तो हम किसी से करते नहीं और दुश्मनी करने वाले की तो हम मैया। शट अप। बहुत कोसेगा तू अपने आप को उस टाइम जब तेरी बॉडी से पुलिस की वर्दी निकाली जाएगी हमें बंद करने के जुर्म में। यू विल रिपेंट जब तुझे पता चलेगा कि हम लोग किसकी औलाद है। हराम की औलाद हो तुम। अपने बाप की सियासत को अपनी रियासत समझकर गुंडागर्दी करने की, कानून को अपने बाप का गुलाम समझकर खिलवाड़ करने की, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। और अपने जिस्म से वर्दी उतरने से पहले तुम्हारी हड्डियों से चमड़ा उतार दूंगा मैं। समझ में तो मेरी नहीं आता कमिश्नर साहब कि तुम्हारे वो दो कौड़ी के सर फिरे इंस्पेक्टर शेखर। हमारी क्या दुश्मनी है भाई जो हमारे बच्चों को बिना किसी जुर्म के उठाकर बंद कर दिया। तैयार होने को अब रुसवाई है उसकी तो दिल लगी हुई, हमारी तो इज्जत पे बनाई है। एक बात का ख्याल रखिए मंत्री महोदय, मेरे किसी भी ऑफिसर का नाम इज्जत से लीजिए और खासकर इंस्पेक्टर शेखर जैसे होनहार ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए जो नाकाबले बर्दाश्त हो। आपके बच्चों ने जरूर कोई ऐसी हरकत ना ऐसी ना वैसी कोई हरकत नहीं की उन्होंने, मुझे मेरी कुर्सी की कसम। ऑपरेशन पार्टी के बच्चों ने सोचा होगा कि हमारे लड़कों के साथ जबरदस्ती पंगा लिया जाए, बाद में जोरदार दंगा किया जाए ताकि जनता के सामने हमें नंगा किया जाए। आप सच कह रहे हैं? कभी किसी मंत्री ने भी झूठ बोला है क्या कमिश्नर साहब? अपने होनहार ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर को समझाइए और हमें उनके कहर से बचाइए। अगर मामला हो जाएगा अदालत की नजर तो हमारी पार्टी का तो बच जाएगा बजर, जनता की नजर से इज्जत भी हमारी फिसल जाएगी। हाय, इलेक्शन से पहले ही कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। अगर मामला इतना संगीन है तो मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन पर कहता हूँ कि आपके बच्चों को छोड़ दे। हाँ बोलो। कमिश्नर कपूरिया। हेलो 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 सर, नमस्ते सर। इंस्पेक्टर शेखर को फोन दो। सर वो तो यहाँ है नहीं, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं।
मंत्री जी के बच्चों पर कौन सा चार्ज लगाकर उन्हें बंद किया गया है? सर चार्ज तो छोड़िए, यहाँ हमारे रजिस्टर में इन लड़कों में से किसी का नाम तक नहीं लिखा है, ना कोई रिपोर्ट लिखी है, ना ही कोई FIR लिखी है। और सर हमें तो लगता है कि हमारे ये जो इंस्पेक्टर शेखर हैं, इनकी इन लड़कों के साथ कोई जाति दुश्मनी है। मंत्री जी के बच्चों को फौरन छोड़ दो। सर ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है ये लोग, किसने रिहा किया इन्हें? सर वो कमिश्नर साहब ने खुद फोन किया था, हुक्म दिया बच्चों को छोड़ दो। कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया। वाह भैया वाह, क्या फर्ज निभाया आपने, अपनी कुर्सी का और अपनी वर्दी का, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। अच्छा तेरे भाई ने ऐसा क्या काम किया है कि उसे इनाम मिलना चाहिए? आपने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी वर्दी जिसकी आप पूजा करते हैं उसे आपने शर्मिंदा कर दिया है। Shut up! How dare you? मैंने अपने फर्ज से गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी इस वर्दी को शर्मिंदा किया है। तुम्हारे ये अल्फाज कांटों की तरह मेरे दिल में चुप गए हैं। ऐसा क्या किया है मैंने? सुनना चाहते हैं क्या किया है आपने? आपने उन लड़कों को छोड़ दिया जो आपकी आपकी बहन की इज्जत लूट लेना चाहते थे। अगर शेखर भैया वक्त पर ना पहुंचते तो आज इस वक्त आपको मैं नहीं मेरी लाश मिलती। शेखर भैया ने उन वैश्य जानवरों को अरेस्ट किया और आपने उन्हें आजाद कर दिया ताकि वो फिर किसी पिंकी की इज्जत तोड़ ले। क्या इसी को आप अपना फर्ज निभाना कहते हैं? वंडरफुल, क्या पॉलिटिक्स के लिए क्या चक्कर चला है हमें पुलिस से छुड़ाने का, यू ग्रेट डैड। कार्ड की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं सुअर के बच्चे। हाथ उठाने से पहले सोच ले कमिश्नर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ भी उठ जाए। हाथ उठाकर तो देख। अच्छा अबे कमिश्नर, तू दिमाग की मां खराब कर रहे। खाकी वर्दी वाले कमिश्नर, हमारी शराफत को मत ललकार, कहीं हमें घर में आके तो वर्दी उतरवा देंगे। के बच्चे, मेरी बहन की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें फोड़ दूंगा, मार दूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। कुत्ते के बच्चों, होश में आओ कमिश्नर, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अगर किसी की बहन या बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करे तो वो पागल ही हो जाता है। मैं इन चारों के चारों को जेल में सड़ाऊंगा। देखो कमिश्नर, बात को जितना बढ़ाओगे, जितना शोर मचाओगे, उतनी बदनामी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा, तुम सबका बहुत कुछ जाएगा। कम से कम 7 साल के लिए तुम सबकी औलादें जेल में सड़ेंगी, उनकी बदनामी तुम सफेद पोशों के चेहरों से शराफत का नकाब नौश डालेगी, जनता तुम्हें नेता मानने से इनकार कर देगी, और जब तुम भिखारी की झोली फैलाए उनके सामने वोट मांगने जाओगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी, नफरत। चलो चलो। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं नहीं, हम जानते हैं कि आप हमसे खफा हैं, मगर हम धोखेबाज बेवफा हैं कि अगर हमने आपसे सच बोला तो आप इन्हें नहीं छुड़ाएंगे। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम गुंडे बदमाशों के बाप हैं, इनके गुनाहों की सजा हमको मत दो। अपनी औलाद के गुनाहों में आप सब बराबर के सदार हैं, इसलिए आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है कमिश्नर साहब, अगर आपने हमें जलील करने का फैसला कर ही लिया है तो ये लीजिए, हमारी इज्जत को भी अपने पांव तले रौंद कर चले जाइए, ताकि आपके जाते ही हम सब लोग खुदकुशी कर लें, क्योंकि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ऐसी औलादों को जन्म देने से क्या फायदा कि जिनकी खातिर आप लोगों की इज्जत दूसरों के पांव में ठोकरें खाती फिरे। इसका मतलब इसकी इज्जत है? हाँ है, अभी तक इस इज्जत है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर शेखर, यस स्पीकिंग, मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ जी। उस लड़की को होश आ गया है और वो बयान देना चाहती है। मैं भी पहुँचता हूँ।
पांच मिनट। कौन हो तुम लोग? इंस्पेक्टर शेखर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम? कौन थे ये लोग? अंदर कैसे आने दिया तुमने? हम किसी डॉक्टर को अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? इडियट, तुम्हारी बेपरवाही की वजह से लड़की की जान जा सकती थी। कौन थे ये लोग? तुम्हारा गला क्यों दबा रहे थे? हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना भाई समझो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो लूट लिया उन्होंने, और तो और मेरे विकी को भी मेरे आंखों के सामने मार डाला। मुझे भी मार डालते तो अच्छा होता। नहीं, तुम्हें जीना है, अपनी इज्जत के लुटेरों को और विक्की के कातिलों को सजा दिलाने के लिए। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बड़े बाप के बेटे। इन बड़े बाप के बड़े बेटों की ऐसी की तैसी। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं होता। कानून की आंख पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो ये ना देख सके कि गुनहगार किसका बाप है, किसका बेटा। एक बार तुम उनके नाम बता दो, इस वर्दी की कसम मैं उनके नाम जिंदगी की किताब से मिटाकर फांसी के फंदे पर लिख दूंगा। भागवत प्रसाद का बेटा विक्रम। डैडी, मैं जरा वेलिंगटन क्लब जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अब ये लौट कर घर नहीं आएगा मिनिस्टर साहब। आप बकता रहे इंस्पेक्टर। बक नहीं रहा, मेरे बाप को समझाने आया हूँ कि उसकी गंदी औलाद क्लब जाने के काबिल नहीं। आज के बाद तेरी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। अरे ओ इंस्पेक्टर, नशा तो मैं आज तेरे इस कपूत का उतारने आया हूँ जिसने अपने मंत्री बाप की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर एक लड़की की इज्जत लूटी, उसके प्रेमी का खून किया, और ये रहा इसकी गिरफ्तारी का वारंट। वारंट? हमारी नजरों में तुम्हारी और तुम्हारे इस वारंट की औकात ही क्या है? इस थप्पड़ से तुम्हें और तुम्हारे मंत्री बाप को इस वर्दी की औकात का पता चल गया होगा। तेरी ये मजाल, तेरी ये जुर्रत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने, वो भी मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने। लगता है तुझे अपनी जिंदगी और अपनी वर्दी दोनों से प्यार नहीं है इंस्पेक्टर। शट अप। तुम क्या जानो, हम पुलिस वाले जिस दिन ये वर्दी पहनते हैं उसी दिन अपनी जिंदगी इसके नाम लिख देते हैं। ये वर्दी की शक्ति है कि पुलिस का एक मामूली कर्मचारी मंत्री के घर से उसके बेटे को घसीट के ले जा रहा है। इंस्पेक्टर, मंत्री साहब, मेरे फर्ज में रुकावट मत बनिए वरना आपके बेटे की खोपड़ी उड़ जाएगी। इसे कहीं हट जाए मेरे रास्ते से। चलिए चल। वो इंस्पेक्टर शेखर को पागलपन का दौरा पड़ गया है। मेरे बेटे को मेरे लाख रोकने पर भी मेरी आंखों के सामने पागल कुत्ता की तरह भौंकता पीटता मारता हुआ ले गया है। क्या कोई जुर्म भी बतलाया है? हाँ, कह रहा था कि किसी लौंडे का रेप और किसी लौंडिया का खून हो गया है। रेप लौंडिया का होता है, आप लौंडे का बतला रहे हैं? आप जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं, लौंडे और लौंडिया में फर्क ही नहीं पा रहे हैं। वही 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 वही। बहुत महंगा पड़ेगा उसका आपको धमकी देना, आपके सपूत को हाथ लगाना। अरे बंद करवा देंगे साले का थाना। उस लड़की की इज्जत लूटने में कौन कौन तेरे साथ था? कौन सी लड़की? जिसके साथ तूने मुंह खोल दिया। बदरीनाथ पांडे का बेटा था? नहीं था। कैलाश नाथ का बेटा तेरे साथ था? नहीं था। विठल राव पाटिल का बेटा तेरे साथ था? नहीं था। कैसे नहीं था? हरामजादे,
था। जितना मारना है मार ले इंस्पेक्टर, पर तू भी नहीं बचेगा। उस लड़की की इज्जत तो मैंने लूटी या नहीं लूटी, पर तुझे इज्जत से जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इज्जत शब्द का मतलब तेरे जैसे बलात्कारी क्या चले? तुम्हारी ये गीदड़ भाग गया यहाँ न चलेगी। तुम्हारे जैसे के बल निकालने के लिए मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में साले तेरे साथ बोल साले बोल बोल वरना मैं तेरी खाल उतार दूंगा। बोल कौन कौन थे तेरे साथ? वो मंत्री बद्रीनाथ पांडे जी साहब का फोन है आपके लिए। मेरी आजादी और तेरी बर्बादी का फरमान आ गया है सरकारी कुत्ते। रामजादे बोल कौन से बिजी हूं मैं। ठीक है सर। सर विक्रम को बहुत मारा इंस्पेक्टर शेखर, आप कुछ कीजिए। हाँ क्या कहा? सर पांडे जी को बोल दिया कि आप बहुत बिजी हैं, फोन पर नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छा किया। अब देखता हूं उसे। मेरी टोपी लाओ। हेलो टाइम्स ऑफ इंडिया। हरामी ने एक पेपर नहीं छोड़ा, सब में हमारा भांडा फोड़ा। सीधा नहीं हर पेपर में घुमा के लिखवाया है, हम सबको एक ही थाली का बैंगन बतलाया है। सोचता हूँ इस इंस्पेक्टर को नौकरी से नहीं दुनिया से बर्खास्त कर दूं। सिर्फ मेरे बेटे की नहीं बल्कि आप सबके बच्चों की गर्दन भी फांसी के फंदे में उलझ सकती है। जब विक्रम को इस बात का पता चलेगा कि जो गुनाह उन सब ने मिलकर किया था लेकिन उसकी सजा उसे अकेले मिल रही है, तो वो चुपचाप फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेगा, आप सबके बच्चों का नाम भी पुलिस को बता देगा। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो विक्रम का मुकदमा तो जज साहब की अदालत में ही पेश होगा ना। फैसला तो जज साहब के ही हाथों में है ना। इसने न सिर्फ मिस रीना की इज्जत लूटी बल्कि उसके प्रेमी का बेरहमी से खून कर दिया। अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर के ऐसे बेरहम मुजरिम के लिए फांसी की सजा भी बहुत छोटी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे वकील का जुर्म साबित हुआ नहीं और सरकारी वकील ने सजा तजवीज करनी शुरू कर दी। इनसे पूछिए क्या सबूत है इनके पास, पूछिए इनसे कहां है वो लड़की। इंस्पेक्टर जरा सी भी हरकत की ना तो भेजा निकाल के अदालत भिजवा दूंगा। प्रूफ मांगता है योर लॉ, वो भी हमारे खिलाफ, और विटनेस है वो लड़की जिसको हमने रेप किया था वैन के अंदर है। वो लड़की नहीं है, हमारा और हमारे फ्रेंड का डेथ वारंट है। उस डेथ वारंट को हम ऐसे नहीं जाने देंगे इंस्पेक्टर, यू अंडरस्टैंड। बचा लीजिए सर। मुझे शक ही नहीं यकीन था कि मंत्री की गंदी औलाद के साथ इस गुनाह में तुम सब शरीक हो। अब मैं सबूत तो सबूत के साथ तुम सबको घसीट अदालत में ले जाऊंगा। सुना था कि सर फिरा है लेकिन मुझको तो ये पागल लग रहा है। बंदूकों के साए में खड़ा है, सोच रहा है कि यहां से जिंदा चला जाएगा। हाँ जिंदा जा सकता है अगर वो ताला खोलकर हमारी मौत का सामान वो लड़की हमारे हवाले कर दे। लॉ को भूल जा, सेव योर लाइफ, अंडरस्टैंड। जल्दी कर इंस्पेक्टर जल्दी कर। तुम्हें लड़की चाहिए? ठीक है आओ मेरे साथ। हाँ लड़की मिल रही है, बंदूक हटा लो। मिस रीना की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कटहरे में आके कहिए। यस सर। योर ऑनर वो लड़की रीना अदालत में हाजिर नहीं हो सकती,
इसलिए कि वो मर गई है, बल्कि उसे मार दिया गया है। विक्रम नहीं चाहता था कि वो अदालत में पहुंचती, इसके खिलाफ बयान देती और इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। इसके साथियों ने वैन पर हमला किया और उस बेचारी को खत्म कर दिया। योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर शेखर से चंद सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? कोई सबूत है आपके पास जो इस इल्जाम को सच साबित कर सके? मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है, वो भी एक नहीं चार चार चश्मदीद गवाह है योर ऑनर, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, और वो है चारों सब इंस्पेक्टर। मैं बारी बारी हर सब इंस्पेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कुछ कहोगे सच कहोगे। ये झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, ये सब के सब बिक चुके हैं। तुमको कानून का मुहाफिज कहते हुए शर्म आती है कि तुमने अपनी जाति दुश्मनी मिटाने के लिए चार मासूम लड़कों के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा दिए? तुमने ये नहीं सोचा कि उन बेचारों की जिंदगी का क्या होगा, उनके माँ बाप के नेक नाम कितने खराब होंगे? ऐसी घिनौनी हरकतें तुमने की है, अगर अदालत चाहे भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अदालत ये हुक्म देती है कि अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर शेखर के स्टार उतार ले जाए। सब इंस्पेक्टर वर्दी उतारनी है तो उनकी उतारी है योर ऑनर। जिन्होंने वर्दी को वर्दी न समझकर कानून की लाश पर डाला कफन समझकर इसे पहन रखा है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ, इस बात का सबूत रास्ते में हमला करने वाले वो लड़के दे सकते थे, वो भाग गए, या फिर वो लड़की सबूत देकर आपकी हर बात को सच साबित कर सकती थी, लेकिन वो मर गई। नहीं, वो मरी नहीं योर ऑनर, वो जिंदा है, वो जिंदा है योर ऑनर। कहाँ है वो लड़की? मिस रीना यहाँ है जज साहब। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने अदालत से झूठ क्यों बोला कि लड़की मर चुकी है? झूठ नहीं बोलता योर ऑनर, तो इन शैतानों के चेहरों से शैतानियत का नकाब कैसे उठता है? इसलिए मैंने अस्पताल के मुर्दा घर से एक मुर्दा लड़की को रीना का मास्क पहनाकर वैन में रख दिया था। मिस रीना को विटनेस बॉक्स में बुलाओ। योर ऑनर, मैं मिस रीना से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस रीना, जरा गौर से इस आदमी की तरफ देखिए, क्या यही वो आदमी है जिसने अपने साथियों से मिलकर आपके साथ बलात्कार किया और आपके प्रेमी का खून किया? बोलिए, जवाब दीजिए। कमीनो, छोड़ दो रीना को, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा। देखा योर ऑनर, किस तरह इस लड़की ने भारी अदालत में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये मुजरिम नहीं है, ये बेकसूर है। रीना, रीना होश में हो? रीना, रीना होश में हो? रीना, रीना, रीना होश में हो? देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारी इज्जत का कातिल खड़ा है। रीना, अपने आप को संभालो। रीना, अदालत को बता दो कि असली मुजरिम यही है। रीना, तमाम गवाहों की बयानात और मिस रीना की शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है, लिहाजा अदालत मिस्टर विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। आसमान पर थूका अपने ही मुंह पर आता है इंस्पेक्टर। See you, buddy boy. राज, तुमने तो खाना ही नहीं खाया, पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? मैं तुम्ही को तो लेने आई हूँ, चलो ना। नहीं पिंकी, मेरा मूड नहीं है। तेरे मूड के बल को मैं निकालता। क्या बोल रहे हो? ऐसा रैपटा मारूंगा इसका मूड बराबर हो जाएगा। इसकी उम्र, हमें तो पता ही नहीं चलता था कि मूड होता क्या है। अपना मूड ठीक करने के लिए इसका मूड क्यों खराब कर रहा है? बेचारी इतने प्यार से मिले आई है, ऐसे अकड़ रहा है जैसे किसी मिनिस्टर का बेटा हो। मुझे कोई नहीं जाना।
आज उन दोनों का रोमांस मौत की चौखट पर उतार दूंगा। बारूद के इतने छर्रे राज के बदन में दाग दूंगा कि उसका भाई इंस्पेक्टर शेखर गिनना भी चाहे तो गिन नहीं सकेगा। होती तो लगता
हरामजाद है। राजू मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज तो उसे खत्म कर देता चले। राजू की जान साले, आज तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। जो हमारी माँ बहन बेटियों पर सिर्फ वासना की नजर रखते हैं, ऐसे वैशी दरिंदों, ऐसे राक्षसों को मिटा देना चाहिए और उन्हें ऐसी भयानक मौत देनी चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका है जलसे में आने का है? इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। विक्रम, तुम अपने बाप को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते बेटी। ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? किसने चली किया है मेरा कलेजा? पुण्य का ये काम मैंने किया है। क्या? हमारे बेटे का कसूर क्या था? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो ये उसकी हवस का शिकार हो जाती और आज इसकी लाश की जगह मेरी बीवी की लाश होती। झूठ बोलते हो तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक इज्जतदार औरत के फटे कपड़ों के अंदर शर्मिंदा होती हुई उसकी शर्म, और क्या सबूत चाहिए आपको? आज यहाँ पर हाजिर हर इंसान से मैं जानना चाहता हूँ जो अभी भी भाषण दे रहे थे कि औरत की इज्जत करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। अगर आप लोगों के घर में कोई बदमाश घुस कर आपकी बहू बेटी की इज्जत से खेलना चाहे तो क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे? जान ले लेंगे उसकी, चौराहे पे खड़ा करके उसे गोली मार देते। ऐसे भेड़ियों को मार के तुमने हम पे उपकार किया है। शांत शांत भाई और बहनों, शांत। यकीन मानिए हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। हम खुद भी अगर हमारी जगह होते तो इस जलील की इस कमीनी हरकत पर हम भी इसे वही सजा देते जो तुमने दी। हमारे बेटे की मौत पर जितना हमें अफसोस है उसे कहीं ज्यादा हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे मुल्क में आज भी तुम जैसे होनहार इंस्पेक्टर मौजूद है जो गुनहगार की हस्ती को नहीं बल्कि उनके गुनाहों को पहचानते हैं। हम तुम्हारी तरक्की की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें एक ऐसा इनाम देंगे जो आज तक ना तुमने कभी देखा होगा ना कभी सोचा होगा। अकबर प्रसाद जिंदाबाद। मैं भगवत प्रसाद मंत्री पद की शपथ लेता हूं और साथ ही यह भी शपथ लेता हूं कि अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ जनता की भलाई और देश की रक्षा के लिए ही करूंगा। मंत्री जी मुबारक हो। मुबारक बहुत देर के बाद दे रहे हो जानकी दास। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने अपने बेटे की बलि दी थी। लेकिन जिन लोगों से इलेक्शन के लिए हमने चंदा लिया था सबसे पहले उनका कर्ज चुकाना है। कौन सा कर्ज और कौन सा चंदा हमें कुछ याद नहीं है जानकी दास। हमें सिर्फ इतना याद है कि हमारी इस मंत्री की कुर्सी के पाए के नीचे हमारे बेटे की लाश तभी है जिसकी मौत विजय श्री का तिलक बनकर हमारे माथे पर लगी है। इसलिए
सबसे पहले हम उस ईमानदार इंस्पेक्टर को उसकी ईमानदारी का इनाम देंगे। उसे और इनाम? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम लोग सब आना। बेटा? ये बेटा कब पैदा कर लिया तूने? अरे राज मेरा देवर, मेरा बेटा ही तो है, मेरी जान है वो। अरे बेटे का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से पैदा कर, वो तेरा बेटा नहीं देवर है, और वो भी सौतेला, और सौतेले पर इतना मत ऐतरा। खबरदार, इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुन लिया आप लोगों ने, अगर दोबारा इस घर की चौखट पे कदम रखा तो क्या कर लोगे? अरे पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दोगे। एक सौतेले के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, सारा मोहल्ला जानता है वो तुम्हारा सगा नहीं सौतेला भाई है, सौतेला। खबरदार, जो मेरे राज को सौतेला कहा तो पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। सौतेला के सौतेला ही होता है। अरे चले, क्या लेना देना, यही है वो सौतेला जिसे जान से प्यारा समझते हैं। भैया क्या ये सच है कि मैं आपका आपका सौतेला भाई हूं? बकती है ये सब, जमाने ने तो कलेजा चलने कर ही दिया, अब तूने अपने आप को सौतेला कहा ना तो मैं और तेरी भाभी मर ही जाएंगे। सच बात यह है बेटे, तू हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू। अरे पगली, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बेटा भी तुझे सौतेला समझेगा ना, तो तेरे सर की कसम हम कभी बेटा पैदा नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपसे सिर्फ प्यार करता था, मगर आज से मैं आपकी पूजा करूंगा। आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया मगर फिर भी इतना प्यार किया। भैया आखिर ये प्यार का क्या नाता है, कैसा नाता है?
अगर यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सर हम सच कह रहे हैं सर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वो तो मंत्री पांडे जी ने हमें नौकरी की धमकी दे दी थी, इसलिए हमने हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर, हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? मेरी ईमानदारी पर कीच और छाला है तुम लोगों ने, कानून को शर्मिंदा किया है। तुम लोगों को माफ करके मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? चले जाओ यहाँ से। सर अगर आप चाहें हमें जूते मार लीजिए, हमें घर से धक्के मार कर निकाल दीजिए, पर सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर सच कहिए सर, अगर आपके भाई से ऐसी कोई भूल हो जाती तो क्या आप अपने भाई को माफ नहीं करते? शराब। अब गुस्सा थूक दीजिए, कहते गलती करके गलती मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और ये लोग तो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और माफी भी मांग रहे हैं। ओहो भैया आप जाने भी दीजिए ना, गलती करके गलती मानने वाला बड़ा होता है और उसे माफ करने वाला महान, और फिर मेरे भैया तो महान है। प्लीज सर जाओ, माफ किया। सर सर इस अच्छे मौके पर हमने छोटी सी पार्टी रखी है और आप हमारे साथ जरूर चलेंगे, आप ना नहीं कहेंगे सर, नहीं तो हम समझेंगे कि आपने भी दिल से माफ नहीं किया। चलो चलो यू आर नॉट भाभी जी। भाभी मैं जरा पिंकी को छोड़ के आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। अच्छा भाभी नमस्ते। आप आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये काज लीजिए सर, ये लीजिए तुम लोग। नहीं यार नहीं, और नहीं भैया बॉटम सर। थैंक यू सर, अब यकीन हुआ सर कि आपने वाकई हमें माफ कर दिया। मेरे हाथ के नीचे इतने होनहार और ईमानदार ऑफिसर काम कर रहे हैं, ये जानकर मेरा सीना खुशी से फटा जा रहा है। सीना खुशी से नहीं, इस खंजर से फटेगा इंस्पेक्टर। ये क्या हो रहा है मुझे? ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हो गया मुझे? अभी तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। तो के पास मक्कार हो तुम लोगों ने शराब में मुझे कुछ मिला के पिलाया। इतनी पिला साकी कि महक जाऊं मैं। अब ये तो मुमकिन नहीं कि बहक जाऊं मैं। मंत्री साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा नहीं, ये सारा जाल हमारा ही बिछाया हुआ है। ये मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की गई है। तुमने भी तो साजिश की थी मेरे बेटे को मारने के लिए। मैंने आज तक अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया, ठीक कसम खाकर कि पहले तुझे जिंदा जलाऊंगा, उसके बाद उसकी चिता में आग लगाऊंगा। एक मिनट देखोगे तब, जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं, जलाने के लिए बुलाया इंस्पेक्टर। हमारे शिकंजे में जो एक बार फंस गया तो फिर उसे ऐसा जकड़ते हैं कि मौत भी उसकी पत्थर हालत पे तड़प उठती है। देर मत करो, जिंदा जला दो उसे। बांदे, ये तो मेरे भैया की आवाज है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? राज, तू यहाँ किस लिए आ गया? वैश्य ने शाम मुझे कुछ बुला दिया बेटे, ये कुछ भी करेंगे। जा, चले जा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जा बेटे, जा चले जा, चले जा। शिकार फंस चुका है बच्चों शिकारी के जाल में, अब नहीं बचेगा, ये मरेगा हर हाल में। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया, आज तू अपनी आंखों से अपने भाई की मौत का खेल देखेगा तो हमसे कभी खेलने की जरूरत नहीं करेगा। मारो इसे भी, मारो राजा साले को, बाहर बना डालो, मारो।
इसे कहते हैं प्यार, राम लक्ष्मण जैसा प्यार। राम खुद काल के मुंह में है और चिंता है लक्ष्मण की। वाह वाह, छोड़ दो इसे। प्रताप, इस पर पेट्रोल डाल, कबाब की तरह भून दे हरामजादे को। इतना सालिम मत बन प्रताप, इतना सालिम मत बन। तुझे जलाना ही है ना, तुझे जलाना ही है तो मुझे जला ले प्रताप, मुझे जला ले प्रताप, मेरे भाई को छोड़ दे प्रताप, मेरे भाई को छोड़ दे प्रताप, मेरे भाई को छोड़ दे प्रताप। छोड़ देंगे मगर जलाकर कबाब बनाने के बाद। हट, अरे नई चप्पल है, माचिस दे माचिस। प्रताप, आराम से, कुत्ते, मेरे भाई को छोड़ दे प्रताप। अरे आग तो क्या, मेरे भाई को अगर आंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा प्रताप, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल में फंसी है बेचारे की जान, कुमार कर दे बेचारे की मुश्किल आसान। डॉक्टर, 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 मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो, डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो। ओह नो, क्या हुआ इन्हें, कैसे जल गई है? ये जले नहीं, जला दिए गए हैं। I'm sorry to say, ये अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं। नहीं डॉक्टर, नहीं, मत कर डॉक्टर, ऐसा मत कर डॉक्टर, ये मेरे भाई नहीं, मेरे बाप भी है। डॉक्टर, 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 अगर इन्हें कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं अनाथ हो जाऊंगा डॉक्टर। देखो, हमारी हर कोशिश बेकार है, इनका शरीर आग में जलने से खून पूरी तरह से सूख गया है। सूख गया है? लेकिन मेरी रगों का खून तो नहीं सूखा डॉक्टर, मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निकाल कर मेरे भाई को दे दो, लेकिन मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। राज भैया, पगले, अपने भाई को आंसू दे के विदा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आपके और मौत के बीच मैं दीवार हूँ, और मौत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा, मुझसे। मैं तेरे प्यार को समझता हूँ बेटे, मगर मेरे पास सांसें बहुत कम है। अगर आपको कुछ हो गया ना भैया, तो मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैतानों से मैं हार गया, तू तो उनके सामने बच्चा है, तू इन जल्लादों से नहीं लड़ेगा, उसे वादा कर। मेरे सर पे हाथ रख कर कसम खा। नहीं भैया नहीं, मुझे अपनी कसमों में कैद मत करो, पर मैं आपकी कसमों की दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा। कैसे देख सकूंगा उन्हें जिंदा, जो मुझे अनाथ बना देना चाहते हैं? आपको डसने वाले सांप मेरी छाती पर यूं ही बल खाते रहेंगे। अगर आपने मुझे अपनी कस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया, नहीं भैया नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं लूंगा। छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं आपकी मौत की जिम्मेदार। मैंने आपको मौत के मुंह में भेजा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उन हाथों में हथकड़ियां देखना चाहता हूं जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का अंग
हमसे अलग कर दिया। बोलो कौन थे वो लोग? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। राज, तुम्हारी आंखों में नफरत का एक तूफान है और तुम्हारे सीने में जो आग जल रही है उसकी लपटें तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर तो सिर्फ लपटें दिखाई देती है कमिश्नर साहब, मेरी आंखों में झांकिए, इनमें आपको मेरा चलता हुआ पाई दिखाई देगा और वो आग दिखाई देगी जिसने मेरा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अब ना कोई साग को बुझा सकता है और ना कोई इसे भड़कने से रोक सकता है। तुझे नहीं पहचान सकेंगे, तेरी भयानक लाश उन सब कुत्तों की मौत का पैगाम होगी जो मेरे भाई की मौत पे शरीक थे। मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे। मैंने भी तुझे कहा था मेरे भाई को छोड़ दे, छोड़ा था तूने, मुझे बख्श दे। इसके बदले में जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। दुनिया को कोई भी चीज मांगेगा मैं दे दूंगा राज। दे सकता है, दे सकता है तो ला मेरा भाई, मुझे दे दे, दे दो मेरा भाई। दे सकता है क्या? अपने भाई की जलती चिता की लपटें अपने सीने में अंदर ही अंदर लिए चल रहा हूं। ये आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं एक एक करके तुम सबकी चिता ना जला दूं। नहीं राज, नहीं, मैं ऐसी भयंकर मौत नहीं मरना चाहता। नहीं राज, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा बेटा, मेरा बेटा प्रताप, 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा। दूसरों को मौत देने वाला आज अपनी मौत में किस तरह घबरा रहा है? भाभी, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम मायके जाओगी या नहीं? बस जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तुझे साथ लेकर जाऊंगी। भाभी, उसका तो ख्याल करो जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। मुझे उससे ज्यादा तेरी फिक्र है पगले। तुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा ना? ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद तो जाओगी? नहीं राज, नहीं राज, नहीं। ये क्या कर रहा है? क्यों जुल्म कर रहा है अपनी भाभी पे? नहीं राज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू बाहर आ जा, वरना वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। पंडी को लेकर जाओगी या मेरी चिता जलाकर? हाँ, मैं चली जाऊंगी, इसी वक्त चली जाऊंगी। तू बाहर आ जा राज, राज तू बाहर आ जा, राज चली जाऊंगी मैं। रास्ता क्यों रोक लिया हमारा? तुझे रास्ते से हटाने के लिए। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। राजू, तुम अंदर बैठो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो हमें। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे,
मगर विट्ठल चाचा और प्रताप की मौत का हिसाब चुकाने के बाद मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरी लाश पर से गुजरना पड़े। देखो तो कैसा सांप की तरह फुकार रहा है। सोचा था मेरे पैर पकड़कर मांगेगा जिंदगी की भीख, ये तो खुद ही मौत को ललकार रहा है। अपनी ही जिंदगी का दुश्मन है साला। सिर्फ अपनी नहीं, हम सब की जिंदगी का दुश्मन है ये। अगर उसने इसे भी इसके भाई के साथ जला दिया होता तो फिर विट्ठल चाचा प्रताप की चिता को आग नहीं लगानी पड़ती। इसको जिंदा छोड़ने का गलती आप नहीं करना चाहिए। Tradition I don't like. Understand? लेकिन इसे मारने से पहले मुझे इसकी भाभी से हिसाब चुकाना है। मेरे बेटे ने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी ना, तेरी इज्जत तो नहीं लूटी मगर मैं लूट गया। तो फिर हिसाब आज पूरा कर देते हैं अंकल। जो इज्जत उस दिन नहीं लूटी आज लूट लेते। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Stop it. Understand? मेरा उंगली दबेगा तुम्हारा भाभी का भेजा ब्लास्ट हो जाएगा। जहन्नम में पहुंचा दो हरामजादे को। नहीं, मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरे राजू की जान बख्श दीजिए, मेरे राजू की जान बख्श दीजिए। हाँ हाँ, बख्श देंगे मेरी भाभी जान। बांधो साले को जीप में। तू जीप के पीछे भागकर अपने देवर को हाथ लगा लेगी तो यमराज के पंजों से उसकी जान छुड़ा लेगी। ये तेरे और तेरे देवर के प्यार का इम्तिहान है। ये इम्तिहान तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मंत्री। ए बकवास मत कर हरामजादे, दुश्मनी का व्यापार महंगा सस्ता देख के नहीं किया जाता। तू करेगी जीप का पीछा, पीछे मोटरसाइकिल हमारे। जहाँ रुकेगी तू बस चिथड़े उड़े तुम्हारे। वाह वाह पांडे जी वाह, डाल दो बच्चा इसके कंधे पे। क्या मौत के मुंह में। आज से बंटी तुम्हारी जिम्मेदारी है पिंकी। इस जिम्मेदारी को निभाना मेरा धर्म होगा। क्यों भाई गाड़ी क्यों रोक दी? सामने देखिए साहब, ये तो हमारा बेटा है। आप बद्रीनाथ पांडे, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ जाओ। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा सामना तुझे बहुत भारी पड़ेगा बद्रीनाथ पांडे। तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बेटे को बांधे और हमारा रास्ता रोके? देख तेरा बाप कैसे सांप की तरह फूंकार रहा है। सोचा था पाँव पकड़ कर मांगेगा तेरी जिंदगी की भीख, ये तो खुद ही तेरी मौत को पुकार रहा है। ये तो हमारी ही शायरी दोहरा रहा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा। Understand? ये साला तुझे खरोंच भी पहुंचाए उसके पहले हम इसकी हस्ती मिटा देंगे। एक लाश गिरा दो साले की। खबरदार, अपने बेटे को ध्यान से देख ले मंत्री। इसके चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए हैं और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है जो तेरे बेटे की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए अपने इन चमचों से कह दे कि तुझे लावारिस कुत्ते की तरह छोड़ दें।
और तेरा पीछा ना करे। कोई मेरा पीछा मत करना, चलो। ये जगह याद है तुम्हें? याद है तुम्हें ये जगह? क्या तुम सबने मिलके मेरी भाभी का खून कर दिया था? लेकिन आज, आज तुम्हारे बेटे की अंतिम यात्रा यहीं से शुरू होगी। देखो राज, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। ठीक है, बख्श देता हूँ। उस दिन तुमने मेरी भाभी के प्यार का इम्तिहान लिया था ना, आज मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम दौड़कर अपने बेटे को छू सके तो उसकी जिंदगी को यमराज के पंजों से बचा लोगे। नहीं। हाँ, ये तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता है। ये यात्रा तुझे नंगे पांव करनी होगी। ये जो कहता करिए डैड। गॉन गॉन। चलो। मुझे बचाओ डैड। थोड़ी हिम्मत करो डैड। चलो। मुझे बचाओ डैड। बोलो डैड। रुकी। मैं बोलना नहीं चाहता। रुक जा। मुझे बचाओ। थोड़ी हिम्मत करो। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी से अच्छा कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। आपको सब तकलीफों से छुटकारा दिलाने के लिए ही तो जहर का इंजेक्शन दे रहा हूं। जहर का इंजेक्शन? अब मेरा मतलब है कहीं कांच का जहर फैल ना जाए, इसीलिए इंजेक्शन दे रहा हूं। अच्छा अच्छा, दे दो दे दो। अरे कौन हो तुम? मैं डॉक्टर। तो तुम डॉक्टर का भेष बनाकर हमारे सांसों की आखिरी गिनती करने यहाँ भी आ गए। मंत्री अंकल को मारने का जुनून तुझे मौत के फेरे में ले आया। क्यों बे अकल के अंधे, तूने अपनी मौत का खौफ भी नहीं खाया, यूं ही अपनी मौत के पहलू में चला आया। बद्रीनाथ पांडे, दूसरों की मौत बन जाने वाला उनका कफन अपने साथ और अपना कफन अपने सर पर बांध कर चलता है। अब हम तेरी वो हालत करवाएंगे कि तू मौत को तरसेगा, तेरे सर पे बंधा कफन तेरी लाश को तरसेगा। देखो कैसे तलप रहा है साला, मंत्री जी का खून करने चला था हराम खाना। तुझे पानी पिला पिला के मैं मारूंगा हराम जादे। क्या नागराज पे थूकता है? अरे वतन के रखवालो, ये क्या जुल्म उठा रहे हो? तुम्हें कहा था हलाल करने, तुम झटका रहे हो। उससे कहीं ज्यादा गहरे जख्म मैं तेरी आत्मा पे लगा दूंगा, अपने दोनों दोस्तों के नाम तेरे सीने पे लिखकर। मेरी छाती पे लिख दे हरामजादे, बहुत जल्द तू भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगा। हमा क्यों झूठी तसल्लियों से दिल को बहला रहे हो? मौत के पहलू में खड़े हो फिर भी कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो। इंस्पेक्टर। यस सर। आज इसे सड़क पर भगाओ, खूब भगाओ और गोली मार दो।
और इसी तरह मौत से लड़कर मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊं। जानना चाहती हो मैं यहां क्यों आया हूं? हाँ। तुम्हारी जुल्फों की छांव में जिंदगी गुजारने का सपना देखने वाला राज मर चुका है, लेकिन अब वो राज जिंदा है जिसने मौत के आगोश में अपना पसीरा कर लिया है। नहीं राज, नहीं, तुमसे पहले तुम्हारी पिंकी मर जाएगी। ये वादा रहा कि तुम्हारे स्वागत के लिए मौत के दरवाजे में तुम्हारी है पिंकी, तुम्हारे इंतजार में तुमसे पहली खड़ी मिलेगी। फिर तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। पंटी की चिंता तो मेरी सांस तक निकलने नहीं देगी। सोचा था उस अनाथ को तुम्हारे सारे खबरदार, अगर मैंने पंटी को अनाथ कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने प्यार में बंटी को भूल ही गई थी। अगर जीना ही मेरे प्यार का इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, सुना है उसके 3-4 दोस्त हैं। अरेस्ट देम। अपने दोस्तों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर वो खुद शिकार बनकर तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगा। धज्जियां उड़ा दो सालों की। चलो पकड़ लो इसे। ये क्या? ये कौन बदतमीज बोल रहा है साला? तुम्हारा विनाश काल मौत। और अगर ये सब समझ ना आए तो मेरा नाम है विरोधी। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए मेरे बेकसूर दोस्तों को पकड़वा दिया। उनका कसूर ये है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं और उनको अच्छी तरह से तोड़ा मरोड़ा और निचोड़ा जा रहा है। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन तू नहीं बचेगा। जिस तरह तूने मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दिया है, उसी तरह मैं भी ऐलान करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर मैं तुम सबकी हस्ती मिटाकर शमशान की बस्ती बना दूंगा। इंस्पेक्टर देखिए, ये राज मुझे क्या धमकी दे रहा है, सुनिए। राज, मैं कमिश्नर कपूर बोल रहा हूँ। जो खेल तुमने शुरू किया है उसे यही खत्म कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए इन सब की लाशों पर से गुजरकर अब तक जरूर पहुंचूंगा। हेलो। क्या भाई, पता चला ये कुत्ता कौन सी गली से भौंक रहा था? सर वो कमिश्नर साहब के घर से बोल रहा था। What nonsense! वाह कमिश्नर वाह, हमारा कातिल हमारे कत्ल का खेल तुम्हारी गोद में बैठकर खेल रहा था और हम साले उल्लू के पट्टे तुम्हारी बातों में लल्लू बने बैठे थे। राज मेरे घर में है, इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। आप मुझ पर यकीन कीजिए। यकीन? तुम्हारा यकीन वो तीखा जहर है कमिश्नर साहब, जिसको खाकर हमारे बच्चे हमारे ऑफिसर मौत के घाट उतार दिए गए। बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है कमिश्नर साहब, राज के साथ तुम मिले हुए हो। राज तो सिर्फ एक मोहरा है, असल में राज के जरिए मौत का खेल तो तुम खेल रहे हो। बकवास बंद कीजिए मंत्री महोदय। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर वो चलाते हैं जिनके अपने बाजू में ताकत नहीं होती। आप तकदीर वाले हैं कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके गुनाह की सजा राज आपको दे रहा है, वरना राज का काम मैं खुद करता। ये लीजिए और संभालिए इसे, इसे उस वक्त खोलिएगा जब मैं राज को गिरफ्तार कर लूं। अब एक पल भी मेरा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। राज, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने चारों तरफ से बंगले को घेर रखा है। अब क्या होगा? पिंकी दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये क्या हरकत है राज? ये हरकत नहीं, हकीकत है। मेरे रास्ते की सब दीवारों को हटा दीजिए, वरना पिंकी को। नहीं, तुम इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। मेरे सर पे खून सवार है कमिश्नर साहब। तुम पिंकी की जान नहीं ले सकते। मेरे रास्ते से हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि भैया और भाभी के कातिलों तक पहुंचने से पहले मुझसे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिसे मैं कभी भुला ना सकूं। चलिए। खबरदार, तुम लोगों की कोई भी हरकत कमिश्नर साहब की जान की दुश्मन बन सकती है। इंस्पेक्टर गोली चलाओ। आई ऑर्डर यू टू फायर इंस्पेक्टर। मेरी जान जाती है तो चाहे, लेकिन मुजरिम हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर, ये मुजरिम आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा, मगर सर आप जैसा देवता स्वरूप अफसर
हमें कहाँ मिलेगा? नो फायर, आई एम सॉरी सर। जीप क्यों रोक दी कमिश्नर साहब? जीप चलाइए वरना रिवॉल्वर चल जाएगी। हाँ हाँ जरूर चलेगी, लेकिन खाली रिवॉल्वर चलेगी। खाली? गोलियां तो यहाँ है। तुम्हें पुलिस के संगीत पैरे से निकालने का और कोई तरीका नहीं था, वरना या तो तुम पकड़े जाते या कानून के वार का शिकार हो जाते, और ये दोनों बातें मैं नहीं चाहता था। ये सब आप कह रहे हैं? कानून के मुहाफिज होकर आपने मेरा साथ दिया? नहीं राज, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं तो उस तूफान को उन जालिम तक पहुंचने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था जो हमारे देश के कानून को अपने पांव तले रौंद देना चाहते हैं, और वो तूफान तुम हो। कमिश्नर साहब। हाँ राज, हम कानून के मुहाफिज कम और कठपुतलियां ज्यादा हैं। हमारे हाथ फर्ज की जंजीरों में इस तरह जकड़े हुए हैं कि अपनी आंखों के सामने जुल्म होता देखते हुए भी हम जालिमों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकते। क्या राज, आज आपको देखकर मुझे मेरा भाई याद आ गया। मुझे कसम है आपके चरणों की, ये तूफान जब भी लौटेगा दुश्मनों का विनाश करके लौटेगा। इतनी बार कह चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं कहता हूँ बता भी, राज कहाँ है? बताओ, वो तुम्हारा दोस्त खूनी दरिंदा राज कहाँ है? अबे नहीं मालूम। बंद करो ये सब, ये कोई तरीका है पूछताछ करने का? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। तुम सब की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या चार्ज है इन पर? सर वो मंत्री जी ने, मंत्री जी का लिखा हुआ ऑर्डर है तुम्हारे पास? नो सर। हाउ डेयर यू? आई एम सॉरी सर। अगर इन्हें कुछ हो गया तो कोई मंत्री तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा पाएगा, समझे? छोड़ दो ने। आजाद कर दिया? किसके हुक्म से? हमारे हुक्म से। तुम्हारा हुक्म हमारे हुक्म से बड़ा? ये कब से हो गया कमिश्नर? जब हमें ये एहसास हुआ कि तुम इंसान नहीं बल्कि चंदन के पेड़ से लिपटे हुए वो जहरीले सांप हो जिसे हमने चंदन समझकर अपने माथे पर सजा लिया ताकि तुम हमें, हमारे समाज को, हमारे वतन को डसते रहो, लेकिन अब हम तुम्हारे जहरीले फन को कुचल कर रख देंगे। मंत्री है हम और भाषण तुम दिए जा रहे हो। हम चुप बैठे हैं इसलिए तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। अब तक तो फर्ज और कानून की रट लगा रहा था और हमारे हुक्म के खिलाफ उनको आजाद करवा दिया। एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते बहुत खूब जिम्मेदारी निभाई। मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने से पहले जरा वो लिफाफा याद करो जो उस दिन मैंने तुम्हें दिया था। ये तो तुम्हारा इस्तीफा है। ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नहीं चाहिए वो रुतबा जो तुम जैसे वतन के गद्दार और जमीर से गिरे हुए इंसानों की गुलामी करने पर मजबूर करते। कल तक मैं कानून का मुहाफिज, कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं आजाद हूं और आज से मेरी तुम्हारी जंग खुलेआम शुरू होती है मंत्री, समझे? पानी में रहकर मगर से बैर करेगा। ए, कौन है तू? बहुत जल्द तूने अपनी मौत को पहचान लिया।
कुमार की चिता जलाने जा रहे हो? मगर आज आज शमशान में एक नहीं चार चार चिता जलेंगी। चिता तो मैं तुम्हारी जलाऊंगा हरामजादे, एक बार सामने तो आ जा। सामने जरूर आऊंगा हरामजादे, लेकिन शमशान में। ये चार चिताएं किसके लिए लगा रहे हो? आपके लिए। क्या बकवास करते हो तुम? मेरा मतलब है सर, आपके घर से फोन आया था। क्या बकवास है? किसका फोन था? उसी आरामजादे का फोन होगा। इंस्पेक्टर। यस सर। पहरा और बढ़ा दो, हर आदमी पे नजर रखो, और जैसे ही राज दिखे साले को गोली मार दो। फादर, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मरने वाले से आपका क्या रिश्ता था? कुमार फादर का स्टूडेंट था इंस्पेक्टर। स्टूडेंट? यस 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 यस, यू नो ही वाज नॉट ओनली माय स्टूडेंट But he was like my son, you know, my son. अपना बच्चा का मैयत का वास्ते थोड़ा आंसू बचा के रखा था, थोड़ा आंसू, सब वेस्ट, ऑल वेस्ट। फादर, प्लीज। सॉरी, यू मे गो फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कुमार की डेथ का सैड एंड अनबेरेबल न्यूज हमको जैसी मिला, आई वाज शॉक्ड। हरामी का ठिकाना, मेरा मतलब है हैरानगी का ठिकाना ही नहीं रहा। मगर आप कौन है फादर? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान लोगे तो तुम्हारी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहेगा। मतलब? सीधा और साफ माय सन, जब तुमको मालूम पड़ेगा कि हमने तुम्हारा सन को यहाँ तक पहुँचाया है। क्या? मेरा मतलब है हम ही ने उसको सिखाया है, पढ़ाया। He was a brilliant student. Welcome, welcome my child, welcome. आपकी तारीफ? ये तारीफ का वक्त नहीं माय चाइल्ड, अंतिम संस्कार का है। ये क्या पांडे जी, चार चिताएं किस लिए हैं? इसमें एक चिता तुम्हारी भी है भगवत प्रसाद। क्या बकते हो, होश में तो हो फादर? होश तो तेरे उड़ाने आया हूं भगवत प्रसाद। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो, वरना मैं भगवत प्रसाद का प्रसाद बांट दूंगा। कौन है तुम सबकी मौत का फरिश्ता और तुम्हारा कातिल? तुम? हाँ मैं। बद्रीनाथ पांडे, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें, वरना तुम हमारे मंत्री जी को मार डालोगे। मार डालो। क्या पक रहे हो पांडे, पागल हो गए हो क्या? पागल तो ये हो जाएगा मंत्री जी जब ये अर्थी पर नजर डालेगा। बेटे आओ, अपनी भतीजी के दर्शन करो। बंटी, चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, चाचा। बंटी की घंटी बजने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। बंटी के शरीर पर बमी बम बांधे हैं और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। ये उंगली जरा भी दबेगी तो तुम्हारी बंटी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ेंगे, जो चिता पे रखने के काबिल भी नहीं होंगे। शाबाश शाबाश। हाथ पैर तोड़ डालो साले के, लेटा दो चिता पे। राज, छोड़ दो, मत मारो राज को, प्लीज मत मारो। भैया, सुन डालो साले को।
राज, अब पासे पलटे तुम्हारे, गर्दिश में है सितारे। देखते क्या हो, गोली से छल्ली काट दो। ये आपने क्या किया कमिश्नर साहब? मैंने अपना फर्ज पूरा किया राज, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं भीष्म पितामह की तरह कल युग के इन कौरवों का सर्वनाश देखे बगैर नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। तू जा, नहीं कर सकता, मैं पूरा कर, जा जा। कानून के हवाले कर।